इंदौर में मुस्लिम समुदाय या कहीं समाजजनों ने मंगलवार सुबह एक माह के रमजान के बाद ईद की विशेष नमाज अदा की, जिसके बाद सभी ने एक दूसरे के गले मिलकर उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी सदर बाजार पहुंचे, जहां पर उन्होंने रोजेदारों से मुलाकात कर उन्हें ईद की बधाई दी। इंदौर शहर में ईद की मुख्य नमाज सदर बाजार ईदगाह पर शहर काजी डॉक्टर इशरत अली की मौजूदगी में अदा की गई। शहर काजी को पारंपरिक जुलूस के रूप में राजमहल्ला स्थित उनके घर से बग्घी पर लाया गया। शहर काजी ने समाज के लोगों को संबोधित करते हुए जल संरक्षण करने पर जोर दिया। इस मौके पर शहर सहित आसपास से आए मुस्लिम समाजजन शामिल हुए। सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान शहर काजी इशरत अली ने प्रदेश और देशवासियों को ईद की बधाई देते हुए सभी से शांति और भाईचारे के साथ रहने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने पेड़ और पानी बचाने का संदेश भी दिया। दो साल के जो सख्तियां थी, पाबंदियां थी, जो बीमारी फैली हुई थी, वबा फैली थी, उससे अल्लाह का करम है कि आज तमाम मस्जिदों में इज्तिमाई शक्ल में नमाज अदा की गई। यकीनन खुशी का इजहार तो है, दो साल बाद में जो पाबंदियां थी और सभी को है मुल्क के तमाम। चूँकि अपन इंदौरी हैं और इंदौरियों को हमेशा कुछ अलग करने की आदत है, तो हमने ये अपील की है कि अल्लाह की बेहतरीन नियामत में से एक पानी है, उसकी हिफाजत करें और जो बारिश का पानी है उसको हम ज़मीन में उतारें। आज इंदौर में 800 फीट पानी का लेवल चले गया है। हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना देंगे, पानी नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? इसलिए हम अल्लाह की जो भेजी हुई बेहतरीन नियामत को, पानी को हम ज़मीन में उतार दें। हमने कुछ अर्से पहले भी कोशिश की कि मस्जिदों के अंदर उनकी छत का और वजू का पानी जो है ड्रेनेज में जाता था उसको वहीं रिचार्ज करवाना है। तो इस तरह से इंदौर शहर के हर इंसान की जिम्मेदारी बनती है कि पानी की खूब हिफाजत करें। अब कुछ टाइम बाद बारिश का मौसम आने वाला है। वो तीसरी देखें कि जब हम लोग जवान थे तब इंदौर के अंदर गर्मी जो है 33-34 का टेम्परेचर में भी हमको गर्मी का एहसास होता था, आज 40-42 टेम्परेचर हो गया। वजह उसकी बुनियादी है कि हमने हरियाली ख़त्म कर दी। तो अब इंदौर के हर इंसान की जिम्मेदारी बनती है कि घरों के सामने मैदानों में जहां हो सके हरियाली लगाएं, हरे दरख्त लगाएं। इस मौके पर इंदौर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी सदर बाजार ईदगाह के बाहर सभी रोजेदारों को ईद की शुभकामनाएं दी। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए दिग्विजय सिंह ने ईद के पर्व को आपसी भाईचारे और प्रेम और सद्भाव का पर्व बताया। आज पूरे देश पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और त्यौहार भाईचारे का है, सौहार्द का है, मेहनत का है, प्रेम सद्भाव का है और ये हमें सभी को मिलकर मनाना चाहिए। इस मौके पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के साथ ही जिला प्रशासन, पुलिस महकमे के आला अधिकारी सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।